हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ बिमानी। दोस्तों, आपने ट्विंस कॉन्सेप्ट सुना रहेगा, जिसमें दो चीज एग्जैक्टली सेम रहती है, जस्ट 19-20 का फर्क रहता है। तो क्रेडिट कार्ड में भी वो चीज एप्लीकेबल हो गई है। तो मैंने लास्ट वीडियो मेरा डाला था एक्सिस विस्तारा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड पे, और उसके बाद मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ उसके ट्विंस का, जो है विस्तारा SBI प्राइम क्रेडिट कार्ड या SBI विस्तारा प्राइम क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, दोनों क्रेडिट कार्ड एकदम सेम है, सिमिलर है, छोटा सा एक या दो डिफरेंस है जो प्राइम SBI कार्ड को ऊपर लेके जाता है एक्सिस बैंक से। अभी दोस्तों, एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड था ना, विस्तारा सिग्नेचर, अभी एक्सिस वो बहुत अच्छा कार्ड है, बट एक्सिस बैंक क्या है, सबको क्रेडिट कार्ड देता नहीं है, उसमें से मैं भी एक आ जाता हूँ, कोई भी रीज़न से रिजेक्ट कर दे रहा है। अब मैंने सुना है कि जिसके पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका वो लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं एप्लीकेशन। पहले मैंने सुना था कि जिसके पास एड ऑन कार्ड रहता है उसका रिजेक्ट कर लेते थे। उसके पहले मैंने सुना था कि ऑनलाइन से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और फिर उन्होंने अगर स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं मांगा तो रिजेक्ट हो जाता था। तो एक्सिस का ऐसा ही चल रहा है। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ एक्सिस का कार्ड लेने का, बट मुझे मिल नहीं रहा है। बट ये जो कार्ड था एक्सिस विस्तारा, वो मुझे बहुत ही चाहिए था, एकदम ही डेस्परेटली। अब वो अगर नहीं मिलेगा तो मैंने यही ढूंढा है कि उसका एग्जैक्टली सेम जो है वो है SBI का विस्तारा प्राइम क्रेडिट कार्ड। अब दोस्तों, ये कार्ड में क्या फीचर्स है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसका जो एनुअल फीस और रिन्यूअल फीस दोनों भी 3,000 रुपीज़ है, और दोनों में भी आपको वेलकम बोनस, वेलकम बेनिफिट और रिन्यूअल बेनिफिट, दोनों में एक प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट फ्री मिलती है। उसके बाद 75,000 रुपीज़ आप जब स्पेंड करते हैं तो आपको 3,000 क्लब विस्तारा पॉइंट्स मिलते हैं। 1.5 लाख स्पेंड करेंगे माइलस्टोन पे तो आपको एक और प्रीमियम टिकट मिलेगी, 3 स्पेंड करेंगे एक और मिलेगी, 4.5 स्पेंड करेंगे एक और मिलेगी, मतलब 4.5 लाख पे आपको 4 टिकट फ्री मिलती है प्रीमियम इकोनॉमी की। ज़बरदस्त दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड है। अब ये बेटर क्यों है एक्सिस वाले से, क्योंकि इसका जो माइलस्टोन, नेक्स्ट माइलस्टोन है वो 8 लाख का है, एक्सिस का जो माइलस्टोन है वो 9 लाख का है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जब 8 लाख पे आते हो आपको एक टिकट मिलती है, उसमें 9 लाख पे एक टिकट मिलती है, बट 8 लाख में इसमें आपको 10,000 रुपये का यात्रा का गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। अब ये जो 10,000 का यात्रा का वाउचर है, इसको मैं अगर 7-8 हज़ार का भी वैल्यू गिनूँ तो भी ये अच्छा वैल्यू है। जनरली मैंने एक्सिस में ये बोला था कि 4.5 के बाद स्पेंड के बाद आप रुक जाइए और आप नया कार्ड ले लीजिए, और दो बार वो 9 लाख का अगर आपका स्पेंडिंग रहेगा तो 2 बार कर लीजिए, ताकि आपको 3 और 3 6 टिकट मिल जाए। इसमें भी मैं आपको वही बोलूँगा, बट अगर आपको वैसा नहीं करना है या कार्ड नहीं मिल रहा है तो SBI में आप 8 लाख तक जा सकते हैं, तो आपको 10,000 का बेनिफिट भी मिलेगा, 3,000 का आपका जो फीस है वो बच जाएगा, और एक टिकट तो आपको मिलने ही वाली है। तो करीब करीब अगर आपको इसमें स्पेंड करना है तो आप 8 लाख तक कर सकते हैं। अब इसमें एक और मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है कि इसमें लिखा हुआ था कि 6 कैंसलेशंस पर ईयर। इसका मुझे मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं रहा है, मैं ये एग्जैक्टली इसका इन्फरेंस ये निकाल रहा हूँ कि 6 बार आप विस्तारा की टिकट बुक की हुई आप कैंसलेशन कर सकते हैं अप टू 3,500 के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये पॉइंट पे अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये पॉइंट को क्लैरिफाई करिए। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज़बरदस्त है। मैं वेट कर रहा हूँ मेरा एक्सिस का क्या आउटकम आने वाला है। अगर वो रिग्रेट हो गया है, रिजेक्ट हो जाएगा, तो मैं तुरंत ये कार्ड यूज़ करूँगा, अप्लाई करूँगा, SBI का यूज़ भी करूँगा और इसके सारे माइलस्टोन्स अचीव करूँगा। ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये उन लोगों के लिए बनाया जिनको ये कार्ड लेना है, ट्रैवल के लिए एक अच्छा कार्ड लेना है, प्लस जिनको एक्सिस का कार्ड ये विस्तारा वाला लेना है बट मिल नहीं रहा है तो ये दूसरा उनका ऑप्शन है। SBI में उनके पास वो बिजनेस क्लास वाला मॉडल है नहीं,
शायद उनके पास वैसे कस्टमर्स नहीं है, शायद इसके लिए नहीं रहेगा, बट इनके पास प्राइम और जो नॉर्मल वाला जो बेसिक वाला जो है इकोनॉमी टिकट वाला, वो दोनों क्रेडिट कार्ड्स है। तो मेरे हिसाब से मस्ट टेक क्रेडिट कार्ड ये है, आपके किटी में एक होना ही चाहिए ये विस्तारा का क्रेडिट कार्ड, क्योंकि विस्तारा की फ़्लाइट की एक्सपीरियंस इतनी अच्छी है और विस्तारा मतलब एक टॉप ऑफ द लाइन एयरलाइंस है इंडिया में। तो उससे अब आप जब ट्रेवल करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होता है। और फिर जो रिडीम्शन के जो इनके फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, जैसे आप इसको ये जो आपका टिकट्स मिलता है ये आपको किसी को भी दे सकते हो, आप आपके नाम पे भी टिकट आप ट्रांसफरेबल कर सकते हो, एक्सपायर हो गया तो आप रिन्यूअल कर सकते हो कुछ नॉमिनल सर्विस चार्ज देके। तो ये सब जो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो बस दोस्तों, आज एक्चुअली मैं बनाना चाह रहा था सोलो SBI का जो ये कार्ड का फीचर्स का, बट सिंस मैंने एग्जैक्टली सिमिलर वीडियो एक पहले डाला है तो काइंड ऑफ कंपैरिजन भी हो गया है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।